कोरोना के कहर की बात कर लेते हैं। भारत में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 147 पहुंच चुकी है। आंकड़ा बेहद डरावना, बेहद चौंकाने वाला। वहीं अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 38 लोग संक्रमित पाए गए हैं। लोक नारायण अस्पताल में ओपीडी में मरीजों को देखने की टाइमिंग भी कम हो चुकी है। मरीजों की एक महीने की दवा देने का ये फरमान जारी हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सफदरजंग और लोक नारायण अस्पताल में आपातकाल लग सकता है। और फिलहाल अगर कोरोना वायरस की बात करें तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति बेहद डरावने और चौंकाने वाली है। गाजियाबाद से हमारी सहयोगी पूजा राठौर शर्मा जो चुकी, सीधे पूजा का रुख करेंगे। पूजा, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का आंकड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, महामारी पूरे देश को अपने चपेट में लेती जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि हर दिन एक नई एडवाइजरी, कभी यूपी गवर्नमेंट से, कभी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, कभी किसी और, इसी तरह से जो है लगातार हर राज्य सरकार हर दिन एक नई एडवाइजरी जारी कर रही है। कोशिश यही की जा रही है कि इस महामारी को फैलने से, इसको रोकने, फैलने से रोकने से बचाना है। तो यहाँ पर रोकथाम के लिए, बचाव के लिए हर जो पॉसिबल मेजर्स हो सकते हैं वो लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट जिस तरह से महाराष्ट्र की, जिस तरह से आपने जिक्र किया है, महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और इस वक्त महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, और इस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो भी महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में तो ये भी विचार किया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार ये विचार कर रही है कि जो वहाँ की लोकल ट्रेन है, जो कि लाइफलाइन मानी जाती है मुंबई की, उनको जो है कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए, क्योंकि लोकल ट्रेन में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है देखी जाती है, और मुंबई की लोकल ट्रेन तो पूरे विश्व में मशहूर है। तो इसी तरह से कि लोग एक दूसरे से ज़्यादा कांटेक्ट में ना आए, इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लेने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल यहाँ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर दिन एक नई एडवाइजरी आ रही है, हाल ही में जो है यूपी गवर्नमेंट ने भी कल एडवाइजरी जारी की है जिसमें तमाम चीज़ें जो है दी गई है। इस वक्त मैं ये गाज़ियाबाद के महागुण मॉल के पास मैं खड़ी हुई हूँ। अगर हम मॉल की बात करते हैं तो मॉल इस वक्त एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज़्यादा इस वक्त बिजनेस प्रभावित हुआ है, और यहां पर हालांकि हर एक जो मेजर्स हैं, जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं वो लेने की कोशिश जो है मॉल प्रबंधन की तरफ से जो है कोशिश की जा रही है। महागुल मॉल के जो जीएम फैजल, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और आइए मैं थोड़ा सा उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करूंगी कि मॉल्स में कितना असर पड़ा है, यानी फुटफॉल तो बिल्कुल डाउन हो ही गया है। तो फैजल, वेलकम टू टोटल टीवी। यहाँ मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त आजकल मॉल के अगर बिजनेस की हम बात कर रहे हैं तो कैसा चल रहा है, किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? मॉल का जहाँ तक अगर हम बिजनेस की बात करें, वो डिपेंडेंट होता है मॉल के फुटफॉल पे। तो जो फुटफॉल है उसमें 50-60% का क्रंच है। अभी फुटफॉल डाउन हो गया है। अभी कोरोना का जो स्केयर है, जो डर है अभी मार्केट में, लोग घर से बाहर नहीं आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर, जिसमें मास्क वगैरह वो लगा कर लोग आते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर ही ज़रूरत का सामान लेने मॉल आ रहे हैं। नॉर्मल शॉपिंग या इन्जॉयमेंट के लिए, जैसे अभी सिनेमा मल्टीप्लेक्सेस का क्लियर डायरेक्टिव है, मल्टीप्लेक्सेस अभी बंद हो गए हैं, और सर्कुलर आया था अभी 3 दिन पहले, तो वो एप्लीकेबल हो गया था सेम डे, और उसका एक इंटीमेशन यहाँ से गया था कि जो मेजर्स आपने हमें डायरेक्टिव्स दिए हैं उनको हमने अप्लाई किया है। तो मल्टीप्लेक्सेस जो हैं मेजर अट्रैक्शन होते हैं किसी भी मॉल के लिए, वो सबसे ज़्यादा फुटफॉल कैच करते हैं, मेजर एंकर होता है किसी भी मॉल का। मल्टीप्लेक्स बंद होने से फुटफॉल काफ़ी डाउन हुआ, उसके बाद अभी लोग बाहर खाना खाने में भी संकोच कर रहे हैं, और शॉपिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, तो मॉल का फुटफॉल 50-60% आप कह सकते हैं कि डिग्रेड हो गया, कम हो गया। क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कल शाम को 138 थे, आज सुबह 147 हो गए हैं, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोग इसके जकड़ में आते जा रहे हैं, क्या अगर ये भी फैसला लेना पड़ा सरकार को कि मॉल्स भी बंद किए जा सकते हैं कुछ दिन के लिए, कितना अफेक्टेड रहेगा और वापस इसे उबरने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, जहाँ तक कोरोना की बात है तो तमाम तरह की जानकारियाँ भी उपलब्ध हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और कई सारी एनजीओज हैं जो एक अवेयरनेस कैंपेन, गवर्नमेंट बॉडीज़ की तरफ से भी ये रन किया जा रहा है, और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि ये एक चेन है,
जो चेन रिएक्शन है उसको तोड़ना है हमें। अगर कोई कोरोना का मरीज कहीं अप्रोच कर रहा है तो आप पहले उसको डिटेक्ट कर लें, स्कैन कर लें। जैसे थर्मल स्कैनर की मैंने बात की, हमारे एंट्री पे अगर आप देखेंगे तो थर्मल स्कैनर वहाँ पर लेकर एक लेडी गार्ड हैं, वो सबका बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रही हैं। हमारा जो स्टाफ अप्रोच करता है मॉल में, हम एक वॉक थ्रू करेंगे, मैं आपको जो सारे अरेंजमेंट्स हमने किए हैं यहाँ पे उसके बारे में एक जानकारी दूंगा। तो जो ये अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, अपने हैंड वॉश करना, सैनिटाइज करना, वो सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो काफी अच्छे अरेंजमेंट किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि मॉल में टाइम टू टाइम जो है क्लीनिंग होती रहे, उसको सैनिटाइज कर किया जा सके, क्या पॉसिबल ये हो पा रहा है? पूजा, देखा जा रहा है कि गाजियाबाद में भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी ललित नारायण कंडपाल हमसे जुड़ चुके हैं। ललित, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र की स्थिति तो बेहद भयानक नजर आ रही है। ऐसे में अगर सरकार की तैयारियों की बात करें तो बाकी देशों के मुकाबले सरकार की तैयारियां बेहद मुस्तैद नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तैयारियों का नतीजा है कि अभी तक ये जो वायरस है ये इंडिविजुअल संक्रमण के स्तर पर है, इंडिविजुअल लेवल पर ही है। और अगर जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से वुहान में, इटली में, ईरान में और दूसरे यूरोपीय देशों में हमने देखा था, वहाँ पर ये कम्युनिटी डिजीज़ बन गई थी, तो जिसके कारण कि कम्युनिटी से कम्युनिटी में फैल रही थी और जिसके कारण पूरा शहर इसकी चपेट में आ गया। तो इसीलिए भारत सरकार ने अब एहतियातन कदम उठा दिए हैं। अभी अभी मैं आपको बताऊँ, एक ब्रेकिंग आई है कि अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जो है देश भर में कहीं पर भी कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी जिसमें कि भीड़ जुड़ती हो। अब वो भले ही विरोध प्रदर्शन क्यों ना हो, तो फिलहाल कोरोना के संक्रमण को देखते हुए पार्टी ने अपने सभी स्टेट्स यूनिट को साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिसके कारण कहीं पर गैदरिंग होती हो, जिसके कारण इस वायरस के संक्रमण का खतरा पैदा होता हो। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली पार्टी बनी जिसने इस तरह की अपील की है। और अब देखना होगा कि क्या ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं क्या वो भी इसको अपनाती हैं या किस तरह से आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल ललित, जागरूकता देखने को मिल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका और ललित आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए।